ये है आम जिंदगी ये है आम जिंदगी। और अच्छा ये है मेंटोस जिंदगी। तैयारी करते हुए अभी तक सिर्फ और सिर्फ नहा पाए हैं और ये कुछ लगाया गया हाथों में। आप मेहंदी देख के पता कर सकते हैं कि मेहंदी किसने कौन सी लगाई है। ये मेहंदी मैंने लगाई है दोस्तों, देखिए नॉट सो गुड बट ठीक है, स्टिल मैनेजेबल। एंड ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये किसने लगाई होगी आप गेस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट देना चाहिए, क्या प्रॉपर इसमें रंगोली बनाई गई है और इसमें प्रॉपर फूल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। और पीछे क्या, नेचुरल। ये क्या, ये क्या, ये फूल की बेले निकल गई है यहाँ तक, और ये एक मकड़ी भी चल के गई है वहां से। तो इन्होंने फूल के साथ मकड़ियों के जाले भी बनाए। ये नेचुरल है, नेचर में ऐसे ही मिलेगा आपको। ये ऐसे इतना डिजाइन के साथ इतना अच्छे कंडीशन में नहीं मिलता नेचर में। दोस्तों अभी हमारी करवा चौथ की तैयारी चालू हो चुकी है। अभी अभी मैंने मेहंदी लगाई है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रसाद एंड उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा की तैयारी एंड उसके बाद मैं होंगी रेडी एंड देन वी विल डू द पूजा एंड उसके बाद हम वेट करेंगे चंद्रमा का। जो भी शेप की बनी है वो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों का शेप सेम नहीं हो रहा है? मैं पहली बार बना रही हूँ कड़ी मेहंदी और ये जो बेसन के और पकौड़े बन ये रहे इस हैं, तरह के पकोड़े, ये दोनों का शेप एकदम सेम लग रहा है। कुछ ज्यादा पतले हो चुके हैं। बिल्कुल, अर्चना ने बोल दिया कि आज यही डिजाइन फॉलो होगा और इनकी लटाए झटाए निकलती ऑक्टोपस के शेप में। हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली है, सारी तैयारी हो चुकी है। करवा चौथ की थाल आप देख सकते हैं, दिस इज माय करवा चौथ थाल जो कि रेडी है और वहाँ प्रसाद रखा हुआ है, इधर भी प्रसाद रखा हुआ है और ये करवा चौथ माता रानी को हमने यहाँ पे विराजमान किया हुआ है। और अभी मैं करवा चौथ की ये जो बुक है इसके अंदर एक करवा चौथ की कथा रहती है, तो बेसिकली वो मैं अभी पढ़ूंगी और ये सारी की सारी कहानी जो इसके अंदर है वो सारी कहानी पढ़नी होती है और कुछ आरतियाँ भी रहती है वो भी हमें करनी होती है। तो ये भी सारी बुक मैं पढ़ूंगी और उसके बाद फिर जब चंद्रमा निकलेगा तब मैं अपनी ये जो थाल है और उधर मेरे जो करवा रखा हुआ है, आगे जो रखा हुआ है करवा जिसके नीचे मैंने चावल रखे हुए वो मेरा करवा है, तो वो मैं लेके जाऊंगी। और ये प्रसाद है जो कि मैंने भगवान को यहाँ पे चढ़ाया है और आप देख सकते हैं ऊपर मंदिर में हमारे बाकी भगवान जो हैं वो विराजमान हैं, तो उनकी भी सबकी हम पूजा अभी करेंगे। करवा चौथ पे तो आप देख सकते हैं मैंने बिंदी लगाया है, नेल पेंट लगाया हुआ है, मेहंदी लगाई हुई है, आई एम वेयरिंग ऑल द ज्वेलरीज एंड पायल पहनते हैं, आप देख सकते हैं कि पायल पहना है
आलता लगाया हुआ है। बिछिया चेंज करते हैं आज के दिन हम लोग, तो बिछिया भी चेंज किया हुआ है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी मैं बहुत सारे फोटोज क्लिक करने वाली हूँ मैं और डीजे, क्योंकि इससे पहले हमने केवल पूजा करी है और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि फोटोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो हमारी मेमोरीज रहती है। तो आई होप आप लोगों ने भी करवा चौथ अच्छे से इंजॉय किया होगा। एंड गुड नाइट पीपल, बाय बाय।